बजट को लेकर कालापीपल विधायक कुणाल चौधरी की प्रतिक्रिया सामने आई। मीडिया से चर्चा में उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से 50,000 करोड़ का घाटे का बजट मध्य प्रदेश सरकार ने पेश किया है, 3.25 लाख करोड़ के बजट में 4 लाख करोड़ का कर्जा मध्य प्रदेश पर है। आज पैदा होने वाला बच्चा भी लगभग 50,000 के कर्ज के बोझ में है। बजट में ना तो किसानों को कोई राहत है, ना मध्यम वर्ग को और ना नौजवानों को राहत है। एक उम्मीद थी कि टैबलेट देंगे, कहीं ना कहीं महंगाई कम करने की टैबलेट इस बजट में देंगे और महंगाई कम करने की वजह गैस के भाव बढ़ाकर इन्होंने महंगाई का इंजेक्शन लगाया है। इस बजट ने किसानों के लिए कुछ नहीं दिया, युवाओं के लिए और गरीबों के लिए भी कुछ नहीं है। 50,000 करोड़ का घाटे का बजट मध्य प्रदेश के अंदर पैदा हुआ है। 3.25 लाख करोड़ के बजट में 4 लाख करोड़ का कर्जा मध्य प्रदेश में। हर पैदा होने वाला बच्चा लगभग 50,000 रुपए के कर्ज में है। किसानों को ना तो कोई राहत है, ना गरीब को कोई राहत है, ना मध्यम वर्ग को कोई राहत है। एक उम्मीद थी, कहा था कि टैबलेट देंगे, हमें लगा कि कहीं ना कहीं महंगाई कम करने की कोई टैबलेट ये सरकार बजट में लाएगी, पर महंगाई कम करने की बजाय सुबह सुबह गैस के भाव बढ़ा के जो इंजेक्शन महंगाई का लगाया है, न किसानों के लिए कुछ है, ना नौजवानों के लिए कुछ है, ना गरीब के लिए कुछ है। क्योंकि तो सदन के अंदर सरकार में की मंत्री ने जवाब दिया कि 39 लाख रजिस्टर्ड बेरोजगारों में से सिर्फ 21 लोगों को रोजगार दिया गया। सिर्फ भोपाल के अंदर ही बिजली के नाम पे 21 करोड़ की वसूली के नाम पे 9,000 कनेक्शन कटे हुए। पूरे मध्य प्रदेश में लगभग 1.5-2 लाख लोगों के कनेक्शन कटे हुए हैं। और ये सरकार लूट सके तो लूट योजना बिजली के नाम पे 21,000 करोड़ एक कंपनी को दे दिए जिसने 1 रुपए की बिजली नहीं खरीदी। लूटने में लगी हुई है। कैसे भय भूख और भ्रष्टाचार की सरकार चलाई जाए, ढोल ताशे और तमाशे की सरकार चलाई जाए और कहीं ना कहीं जनता को मूर्ख बनाने का काम करे। नीतियां माफिया तय कर रहे हैं। बजट का अलोकेशन जिसमें माफिया तंत्र कमा सकता उनके लिए हो रहा है। गरीब मजदूर किसान और मध्यम वर्ग के लिए इस बजट में कुछ भी नहीं। कोई कर्मचारी भी दुखी है इस बजट से। देखिए, ना तो उनकी पुरानी पेंशन योजना को लागू करने का काम करा गया, ना लोगों को कहीं ना कहीं राहत दूसरे वर्गों को दी गई, ना संविदा कर्मचारियों को, ना ठेका कर्मचारियों को, ना श्रमिकों को, किसी भी कर्मचारी के लिए कुछ नहीं है। कांग्रेस की जहां जहां सरकार है वहां पुरानी पेंशन योजना लागू हो चुकी है, बिजली के बिल कम आ रहे हैं, पर मध्य प्रदेश की हालत गंभीर। कला पीपल से दिलीप महेश्वरी की रिपोर्ट।